इस मॉड्यूल के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉलेज क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए नॉलेज को यूज़ करना और उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना दिस इज़ अनदर एन इम्पॉर्टेंट टर्म जो थ्रू आउट द कोर्स यूज़ की जाएगी तो इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है तो आइए देखिए कि नॉलेज की डेफिनेशन क्या है इट इज़ डिफाइंड एज कम्बिनेशन ऑफ एनालाइज एंड सिंथिसाइज इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस एंड वैल्यू इसमें थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि हम कंबिनेशन ऑफ एनालाइज एंड सिंथिसाइज इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो एनालाइज जिसे तजिया जिसके ऊपर हो चुका है और सिंथसाइज का मतलब है कि आपने डिफरेंट चीज़ों को मिला के एक बेहतर कॉम्प्लेक्स चीज़ पेश की है तो सिंथसाइज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस एंड वैल्यू अगर एक इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसको एनालाइज किया है और उसकी बेसिस के ऊपर बेहतर डिसीजन मेकिंग की है और उस इंफॉर्मेशन की बेस को देख कर आपने थ्रू एक्सपीरियंस एक बेटर फ्यूचर कंपनी के लिए सजेस्ट किया है स्ट्रेटी सजेस्ट किया अब इसकी एग्जाम्पल कुछ हम देखते हैं नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए द एक्सपीरियंस ऑफ योर एम्प्लॉयज एक कंपनी में अगर एक एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट होगा डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा वो एक्सपीरियंस ऐसे आएगा जब वो कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन उसे डेली बेसिस पे फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स या दूसरे लोगों के, के साथ काम करने के बाद मिलेगी तो वो एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉ लेगा दैट इज़ The knowledge for him, and second, your file of documents जो आप एक कंपनी में काम करने के दौरान क्रिएट करते हैं uh, कुछ लिटरेचर uh, के अंदर इसको टेस्ट एंड एक्सप्लेसिड नॉलेज भी टर्म्स यूज की जाती हैं अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन होती है फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन टू नॉलेज एंड टू विजडम अगर ऑब्जर्व करें आप इस स्लाइड के अंदर तो यहां पर डेटा विच इज़ सेट ऑफ फै ड्रीट फैक्ट्स और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके बाद इन्फॉर्मेशन की बात हुई कि वो डेटा जिसको मीनिंग असाइन कर दिया गया है इन दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और उस इंफॉर्मेशन uh, की जो एनालाइज और सिंथेसाइज है उसकी बेस पे आप नॉलेज आपके लिए वो होगा और उस नॉलेज की बेस पे आप एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने लिए भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी और अपनी कंपनी को बेहतर स्ट्रेटजी प्रपोज कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि इस नॉलेज की इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकती है सबसे पहले बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज दैट इज़ कस्टमर नॉलेज अब इधर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहां पे हम कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं यूज़ कर रहे वर्ड हम कस्टमर नॉलेज यूज़ कर रहे हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर कस्टमर नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर इसका मतलब क्या है कस्टमर इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन आप स्टोर uh, करेंगे फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम क्या है कस्टमर का एड्रेस क्या है उसने क्या ख़रीदा है कस्टमर नॉलेज जो एक्सपीरियंस आपका हुआ है उस कस्टमर के साथ फॉर एग्जांपल उसके पिछले अरसे में क्या ट्रेंड्स हैं क्या चीज़ वो बेहतर तरीके से पसंद करता है कौन सा प्रोडक्ट पसंद करता है वो कब साल के अंदर कब ऑर्डर प्लेस करता है और उसको क्या चीज़ प्रेफर्ड है और उसके साथ साथ उसका बिहेवियर का क्या है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन क्या वो सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई है और उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं सेकंड एम्प्लॉय एंड सप्लायर रिलेशनशिप एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है उसका जब इन्फॉर्मेशन उसके पास मिलेगी कि वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी में आ रहे हैं वो थ्रू डिफरेंट सप्लायर्स होंगे तो उसका रिलेशनशिप अपने सप्लायर के साथ क्या है दैट इज़ द नॉलेज ऑफ दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वार्टर के अंदर एम्प्लॉय ने कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और उसके सप्लायर ने कब उसे भेजा और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंपनी क्या है फॉर एग्जांपल अगर एक सप्लायर इंटरेस्टेड नहीं है आपकी कंपनी की ग्रोथ के अंदर तो जनरली कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हम उस सप्लायर को यूज़ ना करें तो ये तभी पता लगेगा जब आपके पास एनालाइज एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जिसको हम यहां पर नॉलेज कह रहे हैं और लास्ट नॉ द लिस्ट इज मार्केट नॉलेज मार्केट नॉलेज में आपके पास डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होती है कस्टमर में क्या फॉर एग्जाम्पल मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड देर आर डिफरेंट फैक्टर्स वो सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय कंपनी के अंदर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और उसको सिंथेसाइज करके एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा तो जिस तरह डेटा इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए उसी तरह इंफॉर्मेशन और नॉलेज इम्पॉर्टेंट है तो इन सिंपल वर्ड्स नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन दैट इज मेमराइज एंड इट इज़ एनालाइज्ड एंड सिंथसाइज इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बिकम प्रोडक्टिव एंड टू मेक बेटर डिसीजन मेकिंग